ब्रह्मांड में ट्रक ऑपरेटरों का अपनी समस्या और मांगों को लेकर सातवें दिन भी बीडीटीएस सभा अध्यक्ष रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में अपनी समस्या को लेकर पुकार हॉल से लेकर ब्रह्मांडा एसीसी फैक्ट्री के चौक तक विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। ऑपरेटरों ने एसीसी प्रबंधन द्वारा सीमेंट की भेजी जाने वाली गाड़ियों को स्टेशनों पर खाली न होने के कारण पुकार हॉल में डिमांड बंद करवा दी गई थी, जिसके चलते जिला के समस्त ट्रक ऑपरेटर ने एसीसी के मार्केटिंग कुप्रबंधन के कारण उत्पन्न हुई इस समस्या को जब तक एसीसी मैनेजमेंट एग्रीमेंट के तौर पर लिखित तौर पर इस शर्त को नहीं मानती है तब तक गाड़ियों में सीमेंट की लोडिंग नहीं करने का फैसला लिया है। दोनों यूनियनों की 5500 के करीब गाड़ियां खड़ी रही, जिस कारण ट्रक ऑपरेटरों का एसीसी के अड़ियल रवैये के चलते लाखों रुपए का नुकसान प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स की मुख्य मांग हिमाचल व पंजाब के एसीसी सीमेंट डीलरों के पास सभा की सीमेंट गाड़ियां 3 से 5 दिन के बीच अनलोड होती है, जिससे ट्रक ऑपरेटरों को प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरे एसीसी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में सब्सिडी का रोना रोककर किराए कम किए गए थे। अब सभा प्रधान ने एसीसी मैनेजमेंट को स्पष्ट किया है कि वर्ष 2016 के तकरीबन 8% किराया जो कम हुआ है उसे वापस भाड़े किराए में जोड़ा जाए, ताकि लाखों रुपए का जो नुकसान ट्रक ऑपरेटरों को हो रहा है उससे ब्रह्मांडा सभा के सदस्यों को राहत मिल सके। विरोध प्रदर्शन रैली में हजारों ट्रक ऑपरेटरों ने भाग लिया। दूसरे एक्स सर्विसमैन मंडी व हमीरपुर के ट्रक ऑपरेटरों ने भी इस मांगों को जायज ठहराते हुए मांग पूरी करने के लिए उनको समर्थन दिया। ये जो हमारा संघर्ष चला हुआ है आज सातवां दिन भी जारी है। एसीसी प्रबंधन ने हमारी एक भी मांग के ऊपर अभी तक कोई गौर नहीं किया, और जो हमारा एसीसी प्रबंधन शोषण कर रही है और इससे हमारे ट्रांसपोर्टरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसके लिए एसीसी प्रबंधन जिम्मेदार है। मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी एसीसी प्रबंधन के साथ हमारी बैठक करवा के हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करवाएं, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टरों का जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए।